हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मुमल की रसोई में आपका स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं पानी की मिर्ची। तो पानी की मिर्ची बनाने के लिए यहाँ मैंने 1 बड़ा चम्मच राई ले ली है, यहाँ मैंने 1 बड़ा चम्मच सौंफ ले ली है, और यहाँ मैंने 2 छोटी चम्मच मेथी दाने ले लिए हैं, और ये नमक, और ये मैंने मिर्ची ली है। ये मैंने बेसन से भरने वाली मोटी मिर्ची ली है, ये तीखी कम होती है, इसलिए मैंने 8-10 मिर्ची ये पतली वाली ली है जो तीखी बहुत ज्यादा होती है। और यहां मैंने पानी बॉईल करने के लिए रख दिया है। अब इसमें मिर्ची डालेंगे। पहले मैं मसाला पीसूंगी, उसके बाद मिर्ची बॉईल करेंगे। तो ये देखिए, तीनों एक साथ डाल के मैंने इनको दरदरा पीस लिया है। और यहाँ मैंने 2 मुट्ठी के लगभग, 2 मुट्ठी भर के पीली सरसों ली है, इसको भी पीस लेते हैं। और अब इसमें डालूंगी मैं 2 चम्मच नमक। अब इन सबको मिक्स कर लेते हैं। अब मिर्ची को बॉईल करते हैं। तो ये देखिए, मिर्ची बॉईल करने के लिए डाल देती हूँ। ज्यादा बॉईल नहीं करनी है, खड़ी खड़ी रखनी है, 2 भाप लगानी है बस। 5 मिनट में वापस चेक करते हैं। तो ये देखिए, 5 मिनट हो गई है, अब इसको चेक कर लेते हैं। गैस मैंने बंद कर दिया है, ये देखिए कलर चेंज हो गया मिर्ची का, बिल्कुल सॉफ्ट हो गई है। तो ये देखिए, जारे की मदद से इसको बाहर निकाल लेते हैं। ये जो पानी है इसको भी काम में लेंगे, तो पानी वाली मिर्च बोलते हैं, तो ये पानी से ही बनेगी। ये देखिए, सारी मिर्ची मैंने बाहर निकाल ली है, अब इनमें मसाला भरेंगे। तो ये देखिए, ऐसे चीरा लगा लगा के और इसमें रखते जाएंगे, सबके ऐसे चीरे लगाने हैं, अंदर पानी ना घुसे, इसलिए बिना चीरा लगाए ही पहले बॉईल करते हैं, फिर ऐसे चीरे लगा लगा के सबको तैयार करते हैं। तो ये देखिए, सब मिर्चियों के चीरे लगा के मैंने तैयार कर दिया है, और इनके डंठल हटा दिए हैं। डंठल की वजह से मिर्ची जल्दी खराब होती है। अब इनको भरेंगे। मसाले मैंने सारे मिक्स कर दिए थे, अब इनको खोल खोल के और इसमें इसे मसाले भर भर के यहाँ रख देंगे। इस मिर्ची का टेस्ट बहुत अच्छा लगता है, कांजी की तरह। ऐसे ही सारी मिर्चियाँ भर के तैयार करेंगे। तो ये देखिए, मैंने सारी मिर्ची भर के तैयार कर ली है, अब इसको कांच के कंटेनर में भरेंगे। तो ये देखिए, इसमें डाल के फिर ये जो पानी है उसको भी इसी में डालना है। इसे 2-2 4-4 करके इसमें ऐसे रखना है। तो ये देखिए, सारी मैंने इसमें डाल दी है, अब ये जो बचा हुआ मसाला है वो भी इसके ऊपर डालेंगे।
अब इसमें पानी डालेंगे। ये जो मैंने मिर्ची बॉईल करी थी उस पानी को मैंने एक बार छान लिया था और ये ठंडा भी हो चुका है, तो इसमें ठंडा पानी ही डालना है। जिसमें मिर्ची बॉईल करते हैं उसको छान के ठंडा होने दो, वही पानी इसमें वापस डालता है। ये बस अच्छे से डूब जाए मिर्ची, इतना पानी इसमें चाहिए। और 3 दिन के बाद वापस चेक करेंगे, 3 दिन के बाद ये खाने जैसा हो जाता है अचार। आपको अच्छा लगे तो आप ज़रूर बना के ट्राई करना अपने घर पे, और मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। ओके दोस्तों, बाय।